खबर बाराबंकी के टिकैत नगर से मिल रही है, जहां कस्बा इचौली की एक बुजुर्ग महिला नूरजहां बानो ने थाना टिकैत नगर पर तहरीर देकर आरोप लगाया है कि बैंक ऑफ इंडिया शाखा टिकैत नगर में पैसे निकालने गई थी, जहां खाता बंद होने के कारण नाराज बैंक मैनेजर ने बुजुर्ग महिला की पासबुक फाड़ कर की अभद्रता। दूसरी खबर सिरोली गौसपुर क्षेत्र से मिल रही है, जहां किंतूर निवासी समाजसेवी आदिल काजमी ने इस वैश्विक महामारी के चलते सैकड़ों जरूरतमंदों तक पहुंचाया राशन सामग्री। आदिल काजमी ने बताया, इस भीषण महामारी में जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, जिससे जरूरतमंद के बाल बच्चे भूखे न सोएं। तो वहीं खबर लोनी कटरा थाना क्षेत्र से मिल रही है, जहां बीती रात 20 मार्च को अपहरण की गई युवती का शव गोमती नदी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती के परिजनों की शिकायत पर आकाश यादव निवासी खालिकपुरवा पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। थाना लोनी कटरा पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए भेज दिया है। तो वहीं थाना प्रभारी ने बताया, अपराधी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। इस संबंध में देखिए पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी ने क्या कहा। आज थाना लोनी कटरा क्षेत्र अंतर्गत इब्राहिमपुर पुल के नीचे कंकाल होने की सूचना पर इंस्पेक्टर लोनी कटरा मौके पर गए। कंकाल महिला का होने की जानकारी और उसके कपड़ों के आधार पर इसी थाना क्षेत्र से 20 मार्च को अपहृत हुई एक महिला का शव होने की पुष्टि हुई है। परिवार वालों ने कपड़े से पहचान की, इसके संबंध में पूर्व से ही 71/2020 धारा 366/506 का मुकदमा लिखा हुआ है। अग्रिम विवेचना करके जो भी इस घटना के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।